बच्चे को यहाँ मंदिर में छोड़कर कौन चला गया? प्रार्थना करती हूँ कि नन्हे से बच्चे को जीवन दान दीजिए। उल्टा कीजिए। अरे दया, कब से तेरी राह देख रहा हूँ, कहाँ है तू? और तेरा फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ है तेरा फोन? अरे टप्पू के पापा, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मुझे यह रिक्शा भी नहीं मिल रही थी, इसलिए देर हो गई। वैसे अभी रिक्शा मिल गई है, मैं रिक्शा में बैठी हूँ और ये फोन भी रिक्शा वाले भाई का ही है। वैसे भी थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। हाँ बापू जी, आप इतना चल क्यों रहे हैं? जब तक बहू नहीं आएगी मुझे चिंता होती रहेगी, और जब तक चिंता होती रहेगी मैं चलता रहूंगा। बापूजी आप चल चल के थक जाएंगे, बैठ जाइए, दया बस अभी पहुंचती ही होगी, बैठ जाइए बापूजी। ये लीजिए आ गई। ये क्या है? धीरे 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 बोलिए। धीरे धीरे बोलिए। ये क्या है? ये बच्ची है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किसकी बच्ची? तू संजू ये पूजा भाभी की बच्ची को घर पे क्यों ले आई? नहीं नहीं, ये संजय भाई और पूजा भाभी की बच्ची नहीं है। तो किसकी बच्ची है? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब पता नहीं? अरे पता नहीं है मतलब मुझे पता नहीं है कि ये किसकी बच्ची है। अरे मंदिर में कोई इसे छोड़कर चला गया था। आपसे बात करके मैं अस्पताल से निकली, पर मुझे वहाँ कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। फिर रिक्शा ढूंढने के लिए मैं थोड़ा आगे चली तो एक सुनसान मंदिर के पास मुझे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। जिस तरफ आवाज आ रही थी मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि सुनसान मंदिर में एक छोटी बच्ची वहाँ बड़ी बड़ी रो रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था। बच्ची बेचारी बहुत रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैंने सोचा किसी ने बच्ची को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोड़ा होगा। तो मैंने आसपास में बहुत आवाज लगाई, इधर उधर ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्ची का क्या करूं, और बच्ची को ऐसी सुनसान जगह पर अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने बच्ची को अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही मैंने इसे अपने हाथों में लिया इसका रोना बंद हो गया और वो मेरे सामने हंसने लगी, जैसे कि ये मेरा ही इंतजार कर रही थी। और तभी मुझे रिक्शा आती हुई दिखी। ऐसा लगा जैसे शायद भगवान ने मुझे इस बच्ची के लिए भेजा था। फिर मैं रिक्शा में बैठ गई और सीधा घर पर आ गई। अरे ऐसे थोड़ी कोई किसी और की बच्ची को घर पे ले आता है दया। बहू ने जो भी किया वो सही किया, अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। अरे लेकिन बापूजी हमें पता नहीं है किसकी बच्ची है, कौन इसे मंदिर में छोड़ गया है, क्यों छोड़ गया है, ऐसे कैसे किसी की बच्ची को हम घर पे ले आ सकते हैं? टप्पू के पापा पीछे देखे ना, कितनी प्यारी है यह। हाँ पापा देखो ना कितनी क्यूट है। देखो कैसे हंस रही है, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं। हाँ इसके गाल तो देखो एकदम रू जैसे है। पोछा पोछा कुछ। अरे क्या कर रहा है जीतिया, छूने की क्या जरूरत थी? अभी शांत हो जाएगी। सॉरी 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 बोलता हूँ मैं, सॉरी सॉरी ओ सॉरी। नहीं ना रोना 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 नहीं। Oh,
तो शांति नहीं हो रही। दया एक काम करते, इसको बाहर बालकनी में खुली हवा में ले जाते। याद है टप्पू इतना छोटा था, रोता ही रहता था, तो हम लोग उसको बालकनी में ले जाते थे तो तुरंत शांत हो जाता था। क्या कर रहे हैं, ताली क्यों बजा रहा है, डर जाएगी। धीरे धीरे बच्चे के रोने की आवाज। अहो अहो आपको कुछ सुनाई दे रहा है? आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हमारी आवाज सुनाई दे रही है माधवी। उठा पर तुम्हें, आपको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं टाइगर, सोनिया तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ छोटा बच्चा रो रहा है। ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। जोपा पर है तुम्ही। नहीं, मेरा मतलब है कि अपने सोसाइटी में बच्चा रो रहा है, बच्चा कहाँ से है? छोटा बच्चा नहीं सोनिए, कोई अपने घर में टीवी चला के सो गया। नहीं रोशन, सच में कोई छोटा बच्चा रो रहा है। चलो जाकर देखते हैं। चलो जरा गोकुल धाम में छोटा बच्चा, चलो चल देखते हैं। वो एक काम करते हैं, इसे नीचे ले जाकर थोड़ी सैर कराते हैं। हाँ बापूजी, शायद उससे वो साइड हो जाए। नीचे नीचे जा रहे हैं, नीचे घूमने जा रहे हैं। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। आवाज तो आ रही है रोने के बच्चे की। हाँ कहाँ से आ रही है पता नहीं। कमाल है, किसके घर पे ये बच्चा रो रहा है? नहीं जाने अपड़ो, अपनी सोसाइटी में कोई छोटा बच्चा रहने आया क्या? मतलब छोटे बच्चे वाली फैमिली रहने आई है क्या? नहीं नहीं सोड़ी, अपने सोसाइटी में फ्लैट खाली का है जो कोई नया रहने के लिए आए। तो फिर ये छोटे बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ रही है? गलत उसने बाबा, कोई अपना टीवी चालू करके सो तो नहीं गया? देखा मैंने कहा था ना किसी के घर पे कोई टीवी चालू करके सो गया। और कौन है जो अपने घर पे सो गए टीवी चालू करके? बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आत्मराम, ये छोटा बच्चा रोने का आवाज किधर से आ रहा है? अय्यर प्रा, कोई छोटा बच्चा नहीं, अपने घर पे कोई सो गया टीवी चला के। टीवी चालू रखे बेटे। अरे ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तेरे घर से। क्या? नहीं तो क्या, तुम्हारे घर में जो टीवी चालू है उसको बंद करो। अरे भाई मेरा टीवी पिछले एक हफ्ते से बंद है, रिचार्ज नहीं करवाया है। तो तेरा टीवी रो रहा होगा। क्या बोल रहा है सोड़ी? टीवी रो रहा होगा बड़ी। अरे भाई भिड़े मास्टर। हाँ? ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है भाई? इनके घर पे कोई मेहमान वगैरह आए? मुझे नहीं लगता। ये भी रोने लगेगी बेटा अगर तुम रोगी तो। दया भाभी के हाथ में बच्चा। दया भाभी सुबह से बेटी की बात कर रही थी। हाय हाय रोशन, ये दया भाभी के हाथ में किसका बच्चा है? मैंने की पता सोनी है, कहीं दया भाभी ने बच्चा गोद तो नहीं लिया? बच्चा किसका? आज दया भाभी किसी के डिलीवरी के लिए गई थी, कहीं उनका बच्चा तो नहीं है ना? चलो नीचे जाके जेठालाल से ही पूछते हैं। हाँ चलो। ला 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 ला
संभाल के संभाल के संभाल के। हाँ चलो हो रही है भूख चल यार एक सेकंड उधर उधर जा उधर जाके चल हंस मैं भी आती हूँ हाँ चल चल वो जेठा ब्रा वो किधर बच्चा है कि तू आया जेठा लाल किसका बच्चा भाई कुछ बताओ भाई जेठा लाल किसका बच्चा ये अरे नहीं पता भाई बच्चा दया भाभी के हाथ में है तुम लोग उसे चुप करा रहे हो कब से और तुम्हें नहीं पता नहीं नहीं पता है मंजे अरे मंजे बिंजे सगड़ा बाद में समझाते हैं पहले बच्ची रो रही है उसको शांत तो होने दो भाई हंस हंस देखो ना बच्ची बेचारी रोना बंद ही नहीं कर रही है क्लिनिक में चलते हैं हाँ हाँ चल बैठो बच्ची बेचारी बहुत रो रही है बुखार है तो रोएगी ना तुमको कैसे पता तुम डॉक्टर हो नहीं मैं जब बच्चे की उम्र का था और मुझे जब बुखार होता था तो मैं ऐसे ही रोता था हैं तुझे याद है नहीं मम्मी ने मुझे बताया अरे भाई अभी शांति रखो वरना वो बच्ची की तरह मैं रोने लगूंगा अभी मैं रो रही हूं अरे 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 इसका रोना बंद कैसे हो गया मेरी चुची ये वाह ये लीजिए तेरे भाभी अरे शांत हो गई ना चिकू एकदम चुप हो गई इसे क्या हुआ है हाँ? बच्ची के गले में ये लॉकेट था जो पीछे की तरफ घूम गया था और उसे पीठ में चुभ रहा था मैंने निकाल दिया अब देखो कितनी शांत है दया भाभी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है मैंने अच्छी तरह चेक किया है हर्ष माता जी की कृपा थैंक यू आती भाई अरे वेलकम दया भाभी ये तो मेरा फर्ज है अब चलिए इसे बाहर लेके चलते अरे वाह अरे वाह बापूजी बच्चे का रोना बंद हो गया लेकिन हथेला ये इतना रो क्यों रही थी बुखार बुखार चुप बुड़बक बुखार बुखार कुछ नहीं है बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त है ये लॉकेट उसके गले में चुभ रहा था इसलिए रो रही थी लॉकेट निकाल दिया अब देखो कितनी शांत है यार भाई मुश्किल से शांत हुई है फिर से रोने लगेगी बबीता जी अरे आइए छाड़ो ना पड़े देख भी दया भाभी अब तो बताइए किसकी बेटी है हाँ दया भाभी अब तो बताइए कि पूरा माजरा क्या है हाँ मैं जरा विस्तार से बताती हूँ हुआ यूँ कि टप्पू के पापा के दोस्त संजय भाई की पत्नी पूजा भाभी की डिलीवरी के लिए मैं अस्पताल गई थी वहाँ से निकलते निकलते मुझे रात को बहुत देर हो गई थी ऊपर से मुझे रिक्शा भी नहीं मिल रही थी रिक्शा ढूंढते ढूंढते मैं थोड़ा आगे गई तो मुझे एक सुनसान मंदिर के पास एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने मंदिर में जाकर देखा तो सच में एक छोटी बच्ची बेचारी रो रही थी बच्ची को लेकर मैंने आसपास में बहुत आवाज लगाई इधर उधर ढूंढने की कोशिश की कि शायद बच्ची का कोई मिल जाए लेकिन वह
वहाँ पर कोई नहीं था और बच्ची रोए जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था बच्ची का क्या करूँ। मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं इसे यहाँ अपने साथ लेकर आई। वाह 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 दया भाभी, अब इस प्यारी सी बच्ची को यहाँ ले आई, ये आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, हाँ, हाँ। सही बात है। मुझे लगता है अभी हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पुलिस को क्यों? ताकि पुलिस बच्चे के माँ बाप को ढूंढ सके और फिर बच्ची को हम लोग माँ बाप के हवाले कर सके। नहीं, मेरा मतलब है पुलिस स्टेशन में इतनी रात को ये बच्ची को लेके जाना पड़ेगा। देखिए ना ये कितनी थक गई है, इसे थोड़ा आराम करने देते हैं फिर कल सोचते हैं क्या करना है। दया भाभी मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अरे भाई इस समय सबसे जरूरी है खाना। आज? अरे कमल मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बच्ची की बात कर रहा हूँ। क्या है इतने छोटे बच्चों को हर दो घंटे में भूख लगती है तो उन्हें खाना देना जरूरी है ना। बरोबर, इसे भी भूख लगी होगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने अभी शाम को एक खिचड़ी बनाई है, मैं उसे गर्म करके ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं पोपट भाई, इतने छोटे बच्चे को खिचड़ी नहीं खिला सकते। ओ अच्छा अच्छा, तो क्या खिला सकते हैं? वैसे तो बच्चे के लिए श्रेष्ठ आहार माँ का दूध ही है, लेकिन इस समय ऐसा कीजिए कि जल्द से जल्द बेबी के लिए बेबी फूड ले आइए मेडिकल स्टोर से। लेकिन इस वक्त कौन सी दवाई की दुकान खुली होगी? चाचा जी कुछ मेडिकल स्टोर डे एंड नाइट होते हैं, वो 24 घंटे खुले रहते हैं। अच्छा तो जा जल्दी से ले आ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में से किसी को जहाँ पे बच्ची मिले वहाँ पे जाकर देखना चाहिए, हो सकता है बच्ची के माँ बाप या कोई और बच्ची को ढूंढ रहा हो। पॉसिबल? हाँ भीड़े की बात बराबर। एक काम कर छोड़ी, तेरी जीप निकाल, तू मैं जेठे और बहू वहाँ मंदिर जाते हैं। ठीक है चाचा जी, और मैं अय्यर और भीड़े भीड़े के स्कूटर में जाकर बच्चे के लिए बेबी फूड ले आते। अरे भाई बेबी फूड के साथ डायपर भी लेके आना बड़े मास्टर। हाँ हाँ मैं चाबी लेके आता हूँ। आप सभी गड्डी में जाके बैठो, मैं ऊपर से गड्डी की चाबी लेके आता हूँ। हाँ गया आइए। चलो हाँ चलो, मिल गया ना? अरे किधर मिला? वो भी शॉप डे एंड नाइट नहीं था। अरे भाई वो पहले डे एंड नाइट ही था, कब डे एंड डे हो गया पता ही नहीं चला। पोपड़ लाल तुम्हारा बताया हुआ ये दूसरा मेडिकल शॉप था जो डे एंड नाइट नहीं था, क्या आधी रात को इधर से उधर घुमा रहे हो हमको? आदरम मेरे को तो लगता है ये पोपड़ लाल को तुम्हारी स्कूटर के साइड कार में बैठ कर घूमने का मजा आता। ओ यार भाई क्या मजा आता, हम लोग आधी रात कैसे घूमने निकले? तो फिर किधर है तुम्हारा मेडिकल शॉप? इधर से उधर, इधर से उधर, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। भाई तुम लोग झगड़ा बंद करो अभी, वहाँ पे वो बच्ची भूखे, हमें जल्द से जल्द मेडिकल शॉप ढूंढना है। अरे वही तो बोल रहा हूँ यार भाई, को समझ ही नहीं रहे। हाँ जी आप किस तरफ जाना है जी? डाबे। क्या भाभी जी वो पिड़ू पप्पू अय्यर वो गया ना बेबी फूड लेने के लिए? तो क्या? तो नहीं नहीं चाचा जी, ढाबे पे तो मक्की की रोटी सरसों का साग मिलेगा, तो वो छोटी बेबी ये सब खाएगी क्या? ये क्या बोल रहे हैं तू? दया पापी जी ने कहा ना ढाबे पे ले लो। अरे सोरी ढाबे नहीं, बहू ने बोला ढाबे ढाबे, ढाबे मतलब बाएं लेफ्ट। ओ ढाबे मतलब बाएं, मैं सोच रहा था वो खाने वाला ढाबा। नहीं नहीं वो तो ध होता है ना ढाबा, ये ड ड बोल रहे ढाबा, ड ढाबा मतलब लेफ्ट। हाँ ओके ओके चलो जी लेफ्ट। हाँ चल 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 ठीक है लेफ्ट ले लेता हूँ। एक फूल जैसी मुस्कुराती हुई बच्ची, लेकिन इस फूल जैसी बच्ची के लिए पहाड़ जैसे कई सवाल खड़े हो गए। आखिर कौन है ये बच्ची? कौन इसे मंदिर में छोड़ के गया? कौन है इसके माँ बाप? सवाल इतने सारे हैं और सवालों के इस घने जंगल में जवाब की एक नन्ही सी किरण की तलाश में गोकुलधाम निवासी निकल पड़े मंदिर की ओर। पर आपको क्या लगता है कि मंदिर में जाके इन सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या इस बच्ची के माँ बाप के बारे में जानकारी मिलेगी? और अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे इस बच्ची का गोकुलधाम निवासी? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन हंसी खुशी और रोमांच के साथ आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए तू और मैं इस तरफ देखते हैं। ओ थोड़ी तुम लोग उस तरफ देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे टप्पू के पापा, बापूजी अब मैंने मंदिर में सांप देखा था, तो यहाँ वहाँ आसपास में सांप हो सकते हैं। सांप? हाँ
जो ऐसा होता है वो सांप। हाँ ऐसा करता है वो सांप। चलिए कोई है? माले दया पापी जी कोई दिख ही नहीं रहा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।